क्योंकि उनको चाहिए था रोबोट्स ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें क्वेश्चन ना पूछे तो ये जो वेस्टर्न फिलोसफी की आप बात कर रहे हो अरे वो सब सुपरफिशियल है अगर रियल डेप्थ आपको देखनी है ना तो वेद उठा लो रियल फिलोसफी इंडियन फिलोसफी है जब एक्चुअल में पढ़ लोगे ना पूरी दुनिया की फिलोसफी और जब एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंचोगे जो फिलोसफी का एंड है एक बहुत ही फेमस फिलोसफर रहे हैं पास में उन्होंने कहा आई थिंक देर फॉर आई एम डेकार्ट ने कहा था डेकार्ट ने, ने कहा था क्या ये सच है इसका आंसर हा में भी नहीं दिया जा सकता ना में भी नहीं दिया जा सकता और अगर मैं अभी आंसर दे दूं तो <laughs> अगर अभी हम डिबेट करें और मैं प्रूव कर दूं और यहां पर सारे लोग कहें कि देर इज नो पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग लेफ्ट नाउ इट कांट बी क्वेश्चन आई विल रूल इट आउट राइट नाउ इन द नेक्स्ट फाइव मिनट्स एंड यू विल नॉट हैव एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट तो क्या कहोगे कहां गई आपकी कॉलेज की सारी एजुकेशन और कहां गए आपके ये वेस्टर्न फिलोसफर्स

वो वहाँ पे तक पहुँचे कैसे मैं वही तो बता रहा हूँ सर, सर उन्होंने ये बताया कि जो उन्होंने एक प्रोसेस बताया कि हम हर चीज़ को डाउट कर सकते हैं लेकिन डाउटिंग को डाउट नहीं कर सकते तो क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं ये हमें पता है इसीलिए हम उस चीज़ को बोल पा रहे हैं कि हम डाउट कर रहे हैं तो वो जो डाउट करने का जो पॉइंट है कि वी आर डाउटिंग समथिंग तो इसका मतलब हम है सो आई थिंक बिकॉज आई एम ये उनका कहने का पॉइंट था लेकिन ये बहुत लंबा है ये शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है फिलोसफी शॉर्ट में समझाना कई बार मुश्किल होता है तो उनकी पूरी छह बुक है इसके लिए मेडिटेशन की तो वो बहुत लंबा है बट शॉर्ट में जो मैं, जो मैंने सम... उन छह बुक्स को मैं अभी छह मिनट में आग लगा दूंगा <laughs> छह मिनट दोगे मुझे अब मैं बताऊं आपको इंडियन फिलोसफी की ताकत ये आपने करी बात वेस्टर्न फिलोसफी की आपने छ बुक्स पढ़ी उसकी ठीक है और अपने एग्जाम्स में जाकर के लिख के आ गए दैट इज ओके अब देखते हैं इंडियन फिलोसफी क्या कहती है पॉइंट बकवास है आई आई थिंक एम इसके पीछे चाहे छह बुक्स, बुक्स है वो लोग जो वेस्टर्न वो थिंकिंग में जाकर के अटक जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा थिंकिंग में जाकर के अटक जाता है जो इंडियन फिलोसफी है यानी कि जो वेद है उपनिषद है वो थिंकिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं थिंकिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ये जो आई एम है इसका एक छोटा सा पार्ट है थिंकिंग नाउ व्हाट इज थिंकिंग आपने कहा डाउट करना कि लेकिन मैं ये डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट कर रहा हूं इस वजह से मैं हूं क्या बकवास बात है डाउट क्या होता है व्हाट इज डाउटिंग डाउटिंग कहां से आती है डाउट आता है जब माइंड में दो चॉइसिस होती है एग्जिस्टेंस इज चॉइसलेस इस बात को आराम से बैठ करके समझना मैंने क्या बोला है नंबर वन नंबर टू आई एम इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते आई थिंक को क्वेश्चन कर सकते हो अगर अभी मैं आपकी मेमोरी निकाल दूं या दाश चली जाए उसके बाद आप हो या नहीं हो लेकिन मैं आपसे पूछूंगा आपका क्या नाम है क्या जवाब दोगे मेमोरी नहीं रहेगी तो बताने की ओ, में नहीं रहूंगा थिंकिंग है है नहीं विदाउट मेमोरी देर इज नो थिंकिंग बट यू स्टिल एग्जिस्ट सर डेकार्ट ने बहुत प्रॉब्लमेटिक बातें कही है आई एग्री विद यू अरे सिर्फ डेकार्ट नहीं ये सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो है जिनको आप पढ़ पढ़ करके खुश हो रहे हो इसमें से 99% क्रैप है तो क्रैप को क्यों अपने दिमाग में भर रहे हो अरे भाई साहब चेस खेलो और अगर फिलॉसफी और अगर एक्चुअल फिलॉसफी को समझना है ना एक्चुअल फिलॉसफी तो इंडियन फिलॉसफी को समझो इसकी पावर तो आप सोच भी नहीं सकते कहां तक है और क्या है

पॉइंट इज कि जिस जिस लेवल पे उसको आ, मैं सबकी भावनाओं को कदर करता हूँ मैं ये नहीं नहीं, नहीं बोलो कि, ना खुल के कि, बोलो इसकी जब हम किसी कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को लेकर के बहुत ज़्यादा वो होते हैं और उससे सिर्फ वो एक बिलीव नहीं रहता उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे वायलेंस होते हैं बहुत सारी चीज मैं पोषण की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादा पोषण है हमारे सोसाइटी में और आजकल भी खास कर तो एक कॉन्सेप्ट नहीं है एक गॉड के कॉन्सेप्ट से थाउजेंड गॉड हमने बना दिए जबकि ये भी मानते हैं कि गॉड से फेक है फिर भी थाउजेंड अवतार बना दिए थाउजेंड रिलीजन बना दिए थाउजेंड चीज़ें बना दिए सो so, मेरा पॉइंट है कि एक पॉइंट जिसको हम उस पर हम क्वेश्चन ही नहीं करते हम बस एक ने हमने इंसान जैसा इमेज बना दिया हम उसका बस बिना किसी से बस हम पूछते रहते माय पॉइंट मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं गॉड को नहीं मानता और मानता भी हूँ मैं किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचाऊँ कि गॉड है या नहीं है बट ये मान लेना कि गॉड है और उसके लिए हर वो चीज़ बिल्कुल ब्लाइंडली एक भीड़ की तरह फॉलो करते रहना तो आई डोंट लाइक दैट तो ये चीज़ मैंने जो सीखी है थोड़ा थोड़ा पहले से भी था लेकिन स्टडिंग फिलोसफी में ज्यादा सीखी है क्योंकि फिलोसफी ओनली प्लेस वेयर यू कैन क्वेश्चन आप टेंपल के सामने मस्जिद के सामने जाके गॉड को क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट डे आप आप जिंदा जिंदा भी ना ना रहो इतनी टेंशन लो रहोगे पे कैमरे में आपकी शक्ल पूरी पूरी दिख रही है <laughs> ले रहे हो आप क्वेश्चन कर रहे हो इसमें तो गलत क्या है वो मैं बोल रहा हूं कि मैं एक बात बोलू आपने बोल दिया अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया इस दुनिया में कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं वो जो करोड़ों भगवानों को मानते हैं क्या वो आपस में लड़ते हैं या वो जो कहते हैं कि एक ही भगवान है दुनिया में जो भी उसको नाम देते हैं और कहते हैं वो ही सच है बाकी सब झूठ है आराम से समझिए कि जो हिंदुजम है वहां पर करोड़ों भगवान क्यों है उसका लॉजिक क्या है पहाड़ की भी पूजा हो रही है मिट्टी की जो मूर्तियां उसकी भी पूजा हो रही है सूर्य की भी पूजा हो रही है चांद की भी पूजा हो रही है किसकी पूजा नहीं हो रही है धरती जल अग्नि वायु आकाश सबकी पूजा हो रही है तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है सब में भगवान है इससे बढ़िया फिलॉसफी इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती मतलब आप भी भगवान हो आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं मतलब क्या कि आपके अंदर का जो भगवान है उसको मैं प्रणाम करता हूं आई एग्री सर बट इसमें फिर ये पॉइंट भी है ना मैं इस चीज से इस फिलोसफी के अगेंस्ट नहीं हूं मैं उस चीज से दुखी हूं जो इनबेलेंस इस ये ऑफ गॉड जो कि जनरली वैसे जैसे आप समझा रहे हैं वैसे लोग नहीं समझते ना ज्यादातर तो लोग समझाते हैं और वायलेंस क्रिएट होता है और फिर एक एक मिनट मिनट वायलेंस वायलेंस क्रिएट होता है violence की जड़ क्या है इग्नोरेंस है इग्नोरेंट होते हैं लोग अब देखो इसमें कितनी बड़ी लॉजिकल फैलेसी है अरे भाई साहब ये जो आपके सारे फिलोसफिकल फंडे हैं ना सारे हिला दूंगा अभी की अभी आप कह रहे हो इग्नोरेंस जड़ है प्रॉब्लम की इग्नोरेंस कभी भी जड़ नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम की इग्नोरेंस इस प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इग्नोरेंट कौन होता है इस दुनिया में एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है ही इज इग्नोरेंट इवन ऑफ इज ओन नेम इज प्रॉब्लम तो इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम रॉन्ग नॉलेज इज अ प्रॉब्लम एनिमल्स आर इग्नोरेंट दे आर नॉट अ प्रॉब्लम राइट यू एग्री एनिमल्स के लिए हम प्रॉब्लम है इंसान प्रॉब्लम है अगर एनिमल्स से पूछोगे ना कि हाँ एक शैतान की शक्ल बनाओ तो पक्का इंसान की जैसी होगी और हम एनिमल्स की पूजा करते हैं क्यों क्योंकि एनिमल्स एक्चुअल में इग्नोरेंट है भोले है इनोसेंट है बट इज थॉट है वो कनिंग है तो थॉट ने क्या क्रिएट कर दिया अलग अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिए तो एक कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में एक ही भगवान है जो उसको मानता है वो हमारा अपना है और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराए हैं वो सब गैर है दोनों में से किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को बांधना क्यों अरे वो आप छोड़ो कि बांधना क्यों है उसके पीछे भी एक रीजन है क्योंकि एक इंसान को सिक्योरिटी चाहिए उसको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ ये करना क्यों है ये कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फिलोसफी में क्यों नहीं पूछा जाता है वहां पे ये पूछा जाता है कि क्या है साइंस इज ऑल अबाउट क्या नॉट अबाउट क्यों कभी ये नहीं पूछते कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्यों है लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है तो अब अब यह देखो कि इस दुनिया में क्या है ये नहीं कि क्यों है ध्यान से समझना आप लोगों को यह नहीं बोल सकते कि तुम भगवान की पूजा क्यों करते हो अरे करते हैं करते हैं वो छोड़ो अपने अपने भगवान की सब पूजा करते हैं बट आप यह कि रियल प्रॉब्लम कौन है एक लॉजिक है कि यह मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं बाकी सब पराए हैं यह एक थॉट प्रोसेस है एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है मुझे ये बता दो ये वाली जो थॉट प्रोसेस है इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है यह तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकी से कोई इंसान अगर इस पर अटैक करने के लिए आएगा तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा वो अटैक क्यों करेगा तो इंडियन फिलोसफी में अटैक कहां है आई बात मेरी समझ में इंडियन yes, फिलोसफी sir. Yes, sir. का जो ग्राउंड है जो फाउंडेशन है वहां पर अटैक पॉसिबल ही नहीं है yes, sir. Yes, sir. जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया है उसको एक बार समअप कर देते हैं फिलॉसफी का एजुकेशन सिस्टम से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि वहां पे रियल फिलॉसफी है ही नहीं रियल जो ओरिजिनल फिलॉसफी है दैट इज मिसिंग रियल फिलॉसफी को अगर आपको स्टडी करना है तो यू नीड टू बी एज क्यूरियस समबडी जो खजाना ढूंढने निकला है और तब जाकर के आपको रियल जो फिलॉसफी है वो कहीं पर नजर आएगी और उसमें रियलिटी होगी उसमें बेसिस होगा सिर्फ लॉजिक नहीं होगा लॉजिक की अपने आप में लिमिटेशन है लॉजिक इज ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट आपका अपना लॉजिक है मेरा अपना लॉजिक है अरे लॉजिक के आगे बढ़ो ना फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं अभी इस चेयर पर बैठा हूं निकालो इसमें कोई लॉजिकल फैलिसी कैन यू क्वेश्चन इट यू कैन नॉट क्वेश्चन इट दिस इज बियॉन्ड लॉजिक तो एक होता है सत्य सत्य एक होता है मिथ्या यानी झूठ तो मिथ्या में क्या होता है वहां पे लॉजिकल और ये वाली सारी बातें चलती हैं जो सच होता है वहां पे किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है थॉट की जरूरत नहीं है मैं हूं कैन यू क्वेश्चन इट यू कैन नॉट बिकॉज दैट इज इन योर परसेप्शन तो लॉजिक से आगे बढ़ो ये जो वेस्टर्न फिलोसफी है उससे आगे बढ़ो अब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन फिलोसफी वर्सेज वेस्टर्न फिलोसफी बट ऑल से जो डेप्थ आपको इंडियन फिलोसफी में मिलेगी वो वेस्टर्न में नहीं मिलेगी वो सब सर्फिस लेवल पर जाकर के अटक गए हैं वहां आपको सारी थॉट की बातें मिलेंगी माइंड की बातें मिलेंगी राइट right और रॉन्ग की बातें मिलेंगी कॉन्सेप्ट की बातें मिलेंगी आइडियोलॉजीज की बातें मिलेंगी क्वेश्चनिंग की बातें मिलेंगी उसके आगे, आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे अरे क्वेश्चनिंग की भी तो लिमिटेशन देखो क्वेश्चनिंग के लिए मेमोरी का होना जरूरी है क्वेश्चनिंग इज पार्ट ऑफ थिंकिंग थिंकिंग के बियॉन्ड तो जाओ थिंकिंग विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम माइंड माइंड मतलब क्या होता है ब्रेन के अंदर कुछ सेंसेशन चल रही होती है कुछ आप आप अपने को बोल रहे दैट इज थिंकिंग तो उसके आगे क्या है उसके आगे लाइफ है लाइफ की बात तो कोई है ही नहीं लाइफ तक तो कोई है ही नहीं है अगर लाइफ को एक्चुअल में एक्सप्लोर करना है तो वेद को उठा लो वेद में भी अगर और आगे जाना है तो वेदांत को पकड़ लो वेदांत मतलब एंड ऑफ वेदास द पिनिकल ऑफ वेदास पिनिकल ऑफ नॉलेज वेद का मतलब होता है नॉलेज उसको स्टडी करो तब आपको रियलिटी नजर आएगी जहां पर जाकर के आपके सारे लॉजिक्स बिखर जाएंगे दैट इज द एंडिंग ऑफ थॉट दैट इज द पिनिकल ऑफ फिलोसफी माइंड के बियॉन्ड क्या है हाउ कैन यू ट्रांसेंड माइंड इज देर अ वे इज देर समथिंग बियॉन्ड माइंड उसकी बात आपको वेदांत में मिलेगी